नमस्कार दोस्तों, आप सभी का ATP नॉलेज में स्वागत है। दोस्तों, आज RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने रिवर्स रेपो रेट में 25 बेसिक पॉइंट की कटौती कर दी है। तो चलिए दोस्तों, आज हम जानते हैं कि रिवर्स रेपो रेट क्या होता है और इसमें कटौती के क्या फ़ायदे हैं। दोस्तों, जब हम बैंक में पैसा जमा करते हैं तो बैंक के पास कुछ पैसा जो है वह एक्स्ट्रा बच जाता है। इस बचे हुए पैसे को जो बैंक है वह RBI के पास रख देती है। इस रकम पर रिजर्व बैंक जो है बैंकों को जो है ब्याज देता है। भारतीय रिजर्व बैंक इस रकम पर जिस दर से बैंकों को ब्याज देता है उसे रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। रिवर्स रेपो रेट में कटौती के क्या फायदे हैं इसके बारे में जानते हैं। रिवर्स रेपो रेट में कटौती का मतलब होगा कि बैंकों को अपने पास अतिरिक्त पैसा रिजर्व बैंक के पास जमा करने पर उन्हें जो ब्याज मिलता था उससे कम ब्याज मिलेगा। बैंक अपनी नकदी को फौरी तौर पर रिजर्व बैंक में रखने से परहेज करेंगे, इससे उनके पास नकदी की उपलब्धता बढ़ेगी। बैंक अर्थव्यवस्था के उत्पादक क्षेत्रों को अधिक कर्ज देने में प्रोत्साहित होंगे। बैंक अपनी अतिरिक्त धन को रिजर्व बैंक के पास जमा रखने के बजाय लोन बांटकर अधिक ब्याज कमाने पर जोर देंगे। बैंक लोन पर ब्याज दरों में कटौती कर सकती हैं। दोस्तों, रिवर्स रेपो रेट में कटौती के कारण बैंक जो है वह FD पर जो मिलने वाले ब्याज है उसमें कटौती कर सकती है। कटौती से सिस्टम में तरलता बढ़ाने के लिए RBI की ओर से घोषित कदमों से बैंक में जमा राशि पर ब्याज दरों में कमी का दबाव बनेगा। दोस्तों, विशेषज्ञों के मुताबिक बैंक एक बार फिर जमा और FD पर ब्याज दरों में कटौती कर सकता है। पहले ही बैंक जमा पर ब्याज दरों में काफ़ी कटौती कर चुका है। रिजर्व बैंक के अन्य बड़े फैसले राज्यों के लिए 60% तक अग्रिम सुविधा है। इसके साथ ही दास ने राज्यों पर खर्च के बढ़ते हुए दबाव को देखते हुए उनके लिए अग्रिम सुविधा को 60% तक बढ़ा दिया है। अभी तक इसे 30% की सीमा में थी। इससे राज्यों को कठिन समय में संसाधन उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। रिजर्व बैंक ने राज्यों के उनके खर्चों के लिए अग्रिमी की सीमा 31 मार्च 2020 की स्थिति के ऊपर बढ़ाते हुए 1 अप्रैल से 30 दिसंबर 2020 तक बढ़ी हुई 60% की सुविधा प्रदान कर दी है। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।